दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने अक्सर मुझसे पूछा है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में पिंग का मतलब क्या होता है। तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे पिंग के बारे में ही बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिंग जो है वो एक सिंपल सॉल्यूशन है। अगर हम बात करते हैं किसी भी नेटवर्क की, चाहे वो दो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो एक कंप्यूटर हो दूसरा कोई और डिवाइस हो, उनके बीच में लेटेंसी को पता करने का। अब लेटेंसी क्या है या फिर रिस्पांस टाइम क्या है, जरा हम उसके बारे में बात करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ खड़ा हूँ और 100 मीटर दूर आप खड़े हैं और मैं यहाँ से आपको बोलता हूँ कि हेलो, आवाज़ आ रही है। वो मैंने बोल दिया, आपने सुन भी लिया, आप तक पहुंची है बेसिकली वो आवाज, उसके बाद में आपने जवाब दिया कि हाँ आवाज आ रही है, लेकिन ये सब करने में हमें लग गए 2 सेकंड। इसका मतलब ये कि हमारा जो नेटवर्क है आपस में जो हम बात कर रहे हैं, उसका जो लेटेंसी है या फिर उसका जो पिंग मैं कहूंगा जो रिस्पांस टाइम है, वो है 2 सेकंड का। इसका मतलब मैं जो भी बात आपको बोलूंगा उसका जवाब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 2 सेकंड के बाद मुझे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछता हूं कि सब ठीक है वहां पे, तो मैं 2 सेकंड के बाद ही जान पाऊंगा कि आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है या फिर नहीं है। इसका मतलब ये कि वहां पे जो डिले है नॉर्मल आपको मिलता है बीच में मैसेजेस के बीच में, वो है 2 सेकंड का। या फिर हमारा जो नेटवर्क है उसमें स्पीड से कितनी भी अच्छी है, मैं चाहे लगातार कुछ भी बोले जा रहा हूँ, हेलो हाय ये वो, लेकिन जवाब जो है या जो रिस्पॉन्स है वो मेरे को सिर्फ 2 सेकंड के बाद ही मिलेगा। तो ऐसे में आप जो भी आपके स्पीड टेस्ट करते हैं स्मार्टफोन या कंप्यूटर्स वगैरह में, वहां पे आप देखते हैं कि पिंग लिखा है फॉर एग्जांपल मिलीसेकंड में होता है वो नॉर्मली, कि 2 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड, 50, 200, 500 मिलीसेकंड, और उसके बाद में होती है आपकी अलग से डाउनलोड या फिर अपलोड स्पीड। तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में कुछ खास लिंक नहीं है, दोनों ही कंप्लीट अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग सिनेरियोज में आपको अलग अलग तरीके से मदद करती हैं। आप ये समझ के देखिए कि एक बहुत ही बड़ा सा पाइप है। अब वो पाइप जितना बड़ा है, जितनी उसकी डेटा लेके जाने की कैपेसिटी है, तो वो तो हो गया आपका डाउनलोड या फिर अपलोड का स्पीड जो आपकी बैंडविड्थ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, आपका घर यहाँ पे है और आपको वो सामान चाहिए फॉर एग्जांपल किसी सर्वर से जो बहुत दूर है, या फिर वो जो नेटवर्क है वो रास्ता काफी खराब सा है, तो अगर आप यहां से उस पाइप में पानी भेजना शुरू कर भी दें तो भी वो पानी वहां तक काफी देर में पहुंचेगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका पाइप थोड़ा छोटा भी है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि नेटवर्क ऐसा हो जहां पे आपको सामान भेजना है, एक सब कुछ ठीक रहे, कि आप यहां से अपना स्विच ऑन कीजिए और पानी फटाक से वहां पे पहुंच जाए और आपको रिस्पॉन्स जो है वो काफी चीजें मिल जाए। अब ये अलग अलग सिनेरियोस में दोस्तों काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग, तो ऐसे केस में आप चाहेंगे कि जो आपका लेटेंसी नेटवर्क की वो काफी कम हो, कम से कम हो, ताकि आपको एक अच्छा रिस्पांस टाइम मिले, वरना आप यहां पे गेम में ऑनलाइन में किसी को शूट करें और पता चले आपको 1 सेकंड के बाद कि शूट तो आप खुद ही हो गए क्योंकि उस टाइम पे आप गलत जगह पे खड़े थे। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हमको इंस्टेंट फीडबैक मिले। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब की, अब यूट्यूब में आपका अगर पिंग टाइम इतना सही नहीं भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपको जो देखना है वो देखना है आपकी बैंडविड्थ कितनी है। कि अगर आपने यूट्यूब की वीडियो प्ले करी तो प्ले हो सकता है वो 1 सेकंड के बाद भी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो डेटा इतनी जल्दी पुल करे कि वो लगातार अपने पास में रखे बफर में, और ऐसे में अगर बीच में थोड़ा बहुत लिंक नहीं भी बन पा रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो जो है वो आराम से देखने को मिलती रहेगी। तो पिंग जो है वो आप ये कह सकते हैं एक तरीके से कि एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज करते हैं नेटवर्क की लेटेंसी को चेक करने के लिए, कि आपका नेटवर्क कितना अच्छा है और कितने कम से कम समय में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छा लिंक बना सकते हैं किन्हीं भी दो कंप्यूटर्स के बीच में। आप इसको चेक कर सकते हैं अपने नॉर्मल विंडोज के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर, या फिर मैक में टर्मिनल में जाकर, और आप लिख सकते हैं नॉर्मल पिंग, उसके बाद आप लिख दीजिए वेबसाइट का नाम। तो ऐसे में आपका कंप्यूटर कुछ डेटा के पैकेट्स भेजता है और बदले में आपको बताता है कि उस वेबसाइट से आपका लिंक कितने अच्छे, कितने कम समय में बन पा रहा है। या फिर अगर आप नॉर्मल स्पीड टेस्ट भी करते हैं तो ऐसे के अंदर भी आपको पिंग देखने को मिल जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर एक ऑनलाइन गेमर हूं और मेरे पास में 2 अलग अलग नेटवर्क के ऑप्शन हैं, एक है जिसका पिंग है 2 मिलीसेकंड का, जो उसकी स्पीड है वो है 10 Mbps की, और जो दूसरा नेटवर्क है वहां पे जो पिंग टाइम है वो है 100 मिलीसेकंड का, लेकिन जो स्पीड है वो है 500 मेगाबिट्स पर सेकंड की। तो ऐसे में मैं चूज करूंगा वो नेटवर्क जो कि मेरे को दे रहा है 2 मिलीसेकंड का पिंग टाइम, क्योंकि मेरे को चाहिए इंस्टेंट रिस्पांस। लेकिन अगर मेरे को डाउनलोड कुछ करना है तो ऐसे में मेरे को चाहिए वो नेटवर्क जहां पे मेरे को बैंडविड्थ अच्छी मिल रही है, पिंग अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं और साथ ही साथ शाम को लेकर आता हूं नया एपिसोड टेक टॉक्स का। तो फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।